गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी करनी चेला। हाँ ये बड़ा मुझको बड़ा ये यानी अर्थपूर्ण लगता है कि क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये गुरु जैसे शक्तिपात करके या दीक्षा से मुझको ये शक्ति दे देगा, और मुझको ये जब मिल गई तब तो ये तो गुरुजी की दी हुई शक्ति है, तो वो तो फिर मुझको तो कुछ करना नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो खुद के करने का कि तो जो गुरु की करनी है वो तो गुरु जाने, और जो चेले की करनी है वो चेला। हमारे तो गुरुजी तो वो मालूम हुआ कि बुद्ध थे या महावीर थे, या अगर आप कृष्णमूर्ति दारों में आएँ तो कृष्णमूर्ति थे, या कबीर पंथ में वो कबीर साहब थे। तो कबीर साहब तो इन सब के परे निकल गए, तो सिर्फ उनका नाम लेके और उनका नाम स्मरण करके और नाम जप करके हम उनके उसके से तर जाएंगे, ये जो आशा है। तो वो कबीर साहब की करनी तो कबीर साहब के साथ, और मेरी करनी मेरे साथ जाने वाली है। ये जिसे ईसाई लोग भी ये कहते हैं कि हर किसी को अपना क्रॉस खुद ढोना है, ये क्रॉस कोई दूसरा आपके लिए ढोने वाला नहीं है। तो गुरु ने अपना अपना ये जो सारा भार है वो खुद ढोया, और उसमें से कुछ जो कुछ उनको बोध हुआ वो आपको रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको है। और वो क्रॉस तो अंत में जो ख़ास तौर से दुख का जो भार है, दुख का जो बोझ है, और दुख का जो क्रूस या क्रॉस कहलाता है, वो तो खुद ही ढोना पड़ता है। सुख बांटने वाले और लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी के गहन दुख हैं, चाहे अंदर के हों, अकेलेपन के या भय के या अविश्वास के, तो ये तो वादा खिलाफी के, ये सब तो इनमें से तो खुद ही गुजरना होता है, इसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता है। तो इस अर्थ में तो गुरु की जो करनी है वो तो गुरु के साथ, और चेले की चेले के साथ। मैं समझता हूँ कि ये बुद्ध ने इसे दूसरे रूप में कहा था, जब कहा था कि अपने अपने दीप आप बनो, आत्मदीपो भव अत्यदीपा भवत, कि अपने दीपक आप बनो, अपने शरण आप बनो, अपने द्वीप, इस पूरे सागर में अपना एक द्वीप बनाना होता है, शांति का द्वीप, एक तरह के सुख का द्वीप। तो ये इसे तो खुद बनाना होता है, इसे कोई दूसरा आपको बना के गढ़ा गढ़ाया आपको दे के नहीं जाता, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आपको क्या लगता है। और आम तौर पर अपनी मेहनत मशक्क़त बचाने के लिए हम समझते हैं कि कोई गुरुजी की सेवा की और गुरुजी से वो उनका उनको प्रसन्न किया और गुरु ने आशीर्वाद दिया और हमको, लेकिन वो जो कुछ भी मिलता है उसके साथ सारी ज़िंदगी उसको जीना और उसको उसको यानी जीवित जागृत रखना, ये कोई कम बात नहीं होती है। और वो तो हर किसी को खुद ही करना होता है, उसमें कोई किसी का कोई बहुत कोई रास्ता बता सकता है, कोई गुरु सुझा सकता है, लेकिन चलना तो आप ही पड़ता है।